नागपुर मनपा में सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने नागपुर के संविधान चौक में भव्य आंदोलन किया। इस दौरान आपके कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी हटाओ, मनपा बचाओ, मनपा बचाओ, मनपा बचाओ, बीजेपी हटाओ, मनपा बचाओ, मनपा बचाओ, मनपा बचाओ, बीजेपी हटाओ। बुधवार को नागपुर के संविधान चौक में आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा के खिलाफ आंदोलन किया गया। नागपुर मनपा में भाजपा की सत्ता है। भाजपा की सत्ता में मनपा के कई विभाग में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। खासकर नागपुर मनपा का स्टेशनरी घोटाला चर्चा का विषय बना हुआ है। मनपा में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शाम 4 बजे के करीब आंदोलन किया। इस दौरान बीजेपी हटाओ, NMC बचाओ के नारे भी लगाए गए। मेरा नाम जगजीत सिंह, मैं महाराष्ट्र स्टेट ट्रेजरर आम आदमी पार्टी। आज का आंदोलन हमारा बीजेपी में चले भ्रष्टाचार के बराबर है, उनके लिए है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आए दिन हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि 1.5 करोड़ के बिल बगैर जांच के पास कर दिए गए, 67 लाख रुपीस की स्टेशनरी, फर्जी स्टैम्प, फर्जी साइन, फर्जी अप्रूवल, ऑडिटर की साइन भी फर्जी, और जाके चेक बन जाता है, उनको पेमेंट मिल जाती है, और उनके ऊपर में कमिश्नर अगर 4 लोगों से जवाब पूछता है, जवाब पर्याप्त नहीं मिलते हैं तो उन लोगों के जवाब रिजेक्ट करके 6 लोगों की समिति बना करके निकाला जाता है। हमारी मांग है कि ये पूरे भ्रष्टाचार, पिछले 15 साल के कार्यकाल के भ्रष्टाचार की ऑडिटिंग होनी चाहिए, और ऑडिटिंग हो करके सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी रहे, चाहे वो उनके अधिकारी रहे, चाहे कोई रहे। बीजेपी ने सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया है और कोई काम नहीं किया है। आए दिन रोड में गड्ढे हो रहे हैं, अभी इलेक्शन आ रहा है तो सब ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनका पैसा जो कहाँ कहाँ जा रहा है। आज स्कूल के पास इनके पास किराए के लिए, एक पेपर में न्यूज़ ये है कि किराया लेकर के दूसरे कमरे में स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इनके स्कूल बंद पड़े हुए हैं, खराब पड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर भ्रष्टाचार किया हुआ। इसकी सबकी जाँच होनी चाहिए, इन लोगों को सस्पेंड होनी चाहिए। इन सब लोगों ने मिलकर, कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ईमानदार इंसान को, तुकाराम मुंडे जी को नागपुर से तबादला कराया। हमारी मांग है कि उनको वापस लाना चाहिए, ईमानदारी वापस आनी चाहिए, और बीजेपी का सरकार जो है अभी उसकी बर्खास्त होनी चाहिए इलेक्शन आने के पहले, ताकि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच हो सके और फर्जीवाड़ों को सजा हो सके।